स्टार्ट मैकेनिकल शेप के जरिए जेनेटिक शेप हो जाए, ठीक है। फिर वही जैसे हम पार्टीजन में करते हैं, पार्ट का नाम अगर आपको स्टार्टिंग में डिफाइन करना है तो करिए, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। ओके करिए। ये सारे पोजिशन है, इसके सरफेस डिजाइन के लिए सारा सरफेस है, इधर वॉल्यूम वाला है उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टूल्स को थोड़ा मैनेज कर लीजिए, आ गया। अब जैसे हम लोग सॉलिड मॉडलिंग में कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी 3D मॉडल बनाने के लिए पहले स्केच बनाते हैं, यहाँ भी वही काम करना है। जैसे प्लेन सिलेक्शन उसमें ऐसे पेंसिल पे क्लिक करिए, फिर एक लाइन लेते हैं, यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन होगा, ये देखिए, ठीक है। एक्सट्रूड पे क्लिक करिए, ठीक है। वही इसमें मिरर एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो सेंटर प्लेन से जितना ऊपर है उतना नीचे आ जाएगा। इसमें थिकनेस नहीं होती? नहीं होती, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड क्या, जैसे हम सॉलिड मॉडलिंग में क्या कर देते हैं, पैड करते हैं, पैड करते हैं, उसमें थिकनेस जो हमें मिली तो उस हिसाब से पड़ता था। हम इसमें अगर मान, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, सरफेस में तो आपने देख लिया। अगर मान लो इसी को अगर सॉलिड में अगर कन्वर्ट करना होता, सॉलिड मॉडलिंग में पार्ट डिजाइन में अगर हम करते हैं तो क्या होता, पार्ट डिजाइन में क्या पैड हो सकता है? नहीं, क्लोज सरफेस चाहिए हमें। नहीं अभी होगा, देखो पैड पे क्लिक किया, इस पर आप क्लिक करो, लाइन पे क्लिक करो, पूछता है कि इसको करने का है क्या, तो यस करो और यहाँ पर थिक का ऑप्शन दे दो, ठीक है। अब आप यहाँ से थिकनेस डिफाइन कर दो, होंगे सिंगल लाइन भी पैड होता है, समझे बात को। तो ये नहीं कहना है कि आप सॉलिड मॉडलिंग में सिंगल लाइन पैड नहीं होगा, होगा उसमें थिकनेस दे दिए, ठीक है। यही सरफेस डिजाइन में हमें क्या करना है, सरफेस में हमने एक्सट्रूड का ऑप्शन अभी इस्तेमाल किया, ठीक है। इसको जस्ट क्लिक करिए आप, लाइन पर क्लिक करेंगे, मिरर एक्सटेंट, आप समझ रहे हैं। लिमिट फर्स्ट वन क्या है, एस्केप से ऊपर और नीचे, ठीक है। लिमिट फर्स्ट सेकंड भी है, अगर अभी नीचे क्या है, अभी जो भी 20 mm का इसका जो हाइट है वो प्लेन जस्ट एस्केप से ऊपर है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं इसके, अगर मान लो कि सिमिलर चाहिए जितना चाहिए तो फिर मिरर एक्सटेंड करेंगे, जितना ऊपर उतना नीचे। हाँ। अगर वेरिएबल चाहिए जैसे तो हमें ऊपर की 20 चाहिए और नीचे की 10 चाहिए, हाँ, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल, दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है एक्सट्रूड के अंदर, रिवॉल्व, स्फीयर एंड सिलेंडर। रिवॉल्व ऑप्शन अभी देखते हैं कि क्या है। जैसे आपका पार्ट डिजाइन में शाफ्ट है ना, शाफ्ट का नाम, हाँ, सेम है। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, एग्जिट वॉल बेंच,
रिवॉल्व का हम ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, बाहर आ गया।